अगर आपने अभी तक सीजन वन का रिव्यू नहीं देखा है तो जाकर पहले उसे देखो, कुछ एक व्यूज उसके ऊपर बढ़ा दो यार। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा माय हीरो एकेडमिया सीजन 2 एनिमे सीरीज के बारे में। इसके सीजन 3 और सीजन 4 अभी देखने बाकी हैं। सीजन 2 में इसके टोटल 25 एपिसोड हैं और इसकी ऑलरेडी दो मूवीज आ चुकी हैं। एक तो बहुत पहले आई थी और अभी जो सेकेंड मूवी अभी फरवरी 2021 के अंदर रिलीज हुई है, जिसका नाम है माई हीरो एकेडमिया 2 हीरोज। मैं उसे नहीं देख पाया क्योंकि जहां मैं रहता हूं वहां पर किसी भी थिएटर में उस मूवी को नहीं लगाया गया। खैर, अब अगर इसके सेकंड सीजन की कहानी के बारे में बात करें तो देखो, फर्स्ट सीजन में जहां पर डेकू को पावर मिलती है ऑल माइट की, तो वो अपनी पावर को संभाल नहीं पाता डेकू। उसको पता नहीं होता कि इस पावर को कैसे हैंडल करते हैं। और वहां पर सीजन वन में बहुत सारे एनिमे करेक्टर हमारे सामने इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, तो उसी कहानी को कंटिन्यू रखते हुए सेकेंड सीजन में डेकू अपनी पावर को कैसे समझता है, बाकी के जो एनिमे करेक्टर हैं उनकी क्या कहानी है, तो इन सब चीजों के बारे में सेकेंड सीजन में दिखाया गया। देखो, सेकेंड सीजन में 25 एपिसोड है, तो इसमें जो भी कहानी है बहुत ज्यादा लेंथी एपिसोड कह सकते हैं कि 25-25 एपिसोड बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसमें कहानी को बहुत अच्छे से हमारे सामने रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें एक फाइटिंग कॉन्टेस्ट होता है स्टार्टिंग में ही, जहां पर सारे के सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं यूएस स्कूल के, जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो हिस्सा लेते हैं, आपस में एक दूसरे से फाइट करनी होती है। और यहां पर डेकू की फाइट होती है सोटो तोदरो की, मैंने उसका नाम सही से लिया, सोटो ही कहेंगे उसका आगे से। तो यहां पर जब इसकी फाइट होती है सोटो से, तो ये इंसान फिर से साबित करता है कि जो इसके पास पावर दी गई है ऑल माइट की, यहाँ ये काबिल है उस पावर को संभालने में, या फिर एक हीरो बनने लायक है ये इंसान। क्या होता है कि जब ये फाइट होती है सोटो की, एक अंदर ही अंदर एक अपनी सोच बना रखी है इस, ये खुद अपनी परेशानियों से अंदर ही अंदर उनसे लड़ता जा रहा है, तो डेकू उस फाइट को जीतने की बजाय ज़्यादा फोकस इस चीज़ के ऊपर करता है कि सोटो की जैसे जैसे हेल्प हो जाए, वो अपने जो अंदर अंदर जिस गम से वो मर रहा है उसको बाहर निकाले, उसको वो कॉन्फिडेंस देता है कि यार जो तेरे पास पावर है वो तेरी खुद की है, किसी और की नहीं है, और उसके पर तेरा ही हक है। क्योंकि सोटो अपना हमेशा राइट साइड की जो पावर है, उसकी जो आइस की जो पावर है वही यूज करता आ रहा था, क्योंकि ये इसकी मां की पावर है, और जो इसके लेफ्ट साइड है जो उसके पिता एंडेवर की जो पावर होती है, उसने उसको कभी भी यूज नहीं किया, क्योंकि यार एंडेवर इसकी बनती नहीं, मां बेटे की दोनों की नहीं बनती है। अब उसके पीछे क्या कहानी है, क्या रीजन है, उसके लिए तो आप लोगों को ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अब अगर एंडेवर जो एक सुपर हीरो है, प्रो हीरो है, उसके बारे में बात करूं, तो जो एक सोटो के पिता है, ये भैया दूसरे नंबर पे आता है और ये अपने बेटे को फर्स्ट नंबर पे लाना चाहता है, मतलब हीरो की कैटेगरी में। इसको हमेशा से रिग्रेट रहता है कि यार ये फर्स्ट नंबर पे नहीं है, ऑल माइट फर्स्ट नंबर के ऊपर कैसे, तो अपने बेटे को उसने हमेशा बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया। खैर, मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ यार, मतलब निकल रहा है, कोई नहीं, इसको कैंसिल करते हैं। और साथ ही साथ इस सीजन में हमें पता चलता है कि जो ऑल माइट की जो पावर है वन फॉर ऑल, इसकी पावर का नाम है वन फॉर ऑल, ये कहाँ से आई है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ है, तो सब चीजें इसके अंदर दिखाई जाती है। जैसे सब चीजें तो नहीं कहूंगा कि यार आधी अधूरी नॉलेज हमें दी गई है। अब उम्मीद करता हूं कि जब थर्ड सीजन इसका देखूंगा तो वहां पर इनके सब सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। और अब एक करेक्टर जिसके बारे में अगर बात ना करूं तो ये वीडियो अधूरी रह जाएगी, बाकुगो। देखो यार, मैंने सोचा था कि यार बाकुगो की जो कहानी वो और ज्यादा अगले सीजन में अच्छे से दिखाई जाएगी, लेकिन सेकंड सीजन में इसको बहुत कम टाइम दिया गया है। बाकुगो ये हमेशा गुस्से में रहता है, हर एक चीज को ये मारना चाहता है, इवन अपने दांतों के कीटाणुओं तक के मारने की बात करता है उनको, इतनी इसकी मेंटलिटी दिखाई है। और जीतने के लिए इतना ज्यादा ये अग्रेसिव है, कुछ भी किसी भी लिमिट में चला जाएगा, लेकिन लिमिट में जाने का मतलब है पॉजिटिव वे में, कभी नेगेटिव वे में नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल, फाइटिंग कॉन्टेस्ट होता है इसका सोटो के खिलाफ, जिसमें ये जीत जाता है और अपनी उस जीत को ये सेलिब्रेट नहीं करता, ये कहता है कि सोटो जो है वो उसने अपनी पूरी पावर यूज नहीं की और मैं अपना फर्स्ट जो स्थान है मैं उसको छोड़ना चाहता हूं, मैं ये मेडल नहीं लेना चाहता। तो ये वाली जो चीज इसके अंदर दिखाई गई, और सेम टू सेम जो इसका एटीट्यूड है वो लास्ट वाले एपिसोड में दिखाया जाता है, जहां पर ये ऑल माइट से लड़ रहा होता है। मतलब ये लड़का लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी जैसे तैसे उसको मतलब रोकने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी, मतलब हाथों से उसको चबा रहा है, कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये हार नहीं माने। इसके इतना जिद, जीतने का जुनून इसके ऊपर सवार है, मुझे लगता है कि यार हर इंसान के ऊपर इतना होना चाहिए कि अपनी लाइफ में जो उसने पक्का कर लिया बस उसके लिए तो वो कुछ सोचे ही ना, बस उसके पीछे भागता चला जाए। लेकिन पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूं, इसको नेगेटिव वे में मत लेके चले जाना। और अगर सेकंड सीजन के विलन की बात करूं तो देखो, इसमें फर्स्ट सीजन में जो विलन दिखाया गया था, साथ ही साथ इसके सेकंड सीजन में एक और नया विलन हीरो किलर स्टेन के बारे में हमें पता चलता है। और अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि जो इसमें एक आइडियोलॉजी दिखाई गई है कि स्टेन जो है वो हीरो को क्यों मार रहा है, उसकी सोच क्या है, वो क्यों आज के जो नए हीरो हैं उनको फेक कह रहा है, जो इसकी जो आइडियोलॉजी है इससे बहुत ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं और वो एक
विलन लीग को ज्वाइन करते हैं, जो एक दूसरा कोई विलन है, जो हीरो किलर स्ट्रेन से बिल्कुल अलग है, और उसकी आइडियोलॉजी, मतलब उसको तो अपनी आइडियोलॉजी भी नहीं पता वो क्यों वो ऑलमाइट को मारना चाहता, उसको खुद नहीं पता, मतलब वो सर्च करता है, लास्ट के एंडिंग में उसको जवाब मिल जाता है। खैर खैर, मैं फिर से स्पॉइलर देने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, आप जब ये मूवी सीरीज देखेंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा। और अब उम्मीद करता हूँ कि आने वाले थर्ड सीजन में इस जो विलन लीग है इसके बारे में सिर्फ नाम ही बताया गया है, दो ही विलन इसके अंदर शामिल होते हुए मैं दिखते हैं इसके लास्ट में, और इसके थर्ड सीजन में उम्मीद कर रहा हूँ कि और अच्छे से ये हमारे सामने निकल कर आएगा। ओवरऑल अगर सेकंड सीजन की बात करूं तो देखो यार 25 एपिसोड्स बहुत ज्यादा होते हैं, और मुझे लगा कि यार ये लेंथ ही बहुत ज्यादा है, कुछ एक एपिसोड ऐसे थे अगर वो नहीं होते तो ये सीरीज काफी ज्यादा अच्छी हो सकती थी, इनफैक्ट उनका ना ही होना इस सीरीज को अच्छा बनाता। दूसरी कमी मुझे इस एनिमे सीरीज के सेकंड सीजन में ये लगी, क्योंकि यार इसमें जो कहानी फर्स्ट सीजन में चल रही थी उसी को एज ए टीज कंटिन्यू एक ही लेवल, एक पैरेलल लेवल में रखी गई है, ना ही इसको अप किया गया, ना इसमें डाउन तो चलो नहीं किया, अप करने की जो उम्मीद थी मुझे लगा कि थोड़ी सी हाई जाएगी, हमें कुछ नए ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो ये वाली जो चीज है इस एनिमे इसको स्लो बनाती है। उम्मीद करता हूं कि जो इसका थर्ड सीजन है और फोर्थ सीजन है और जो इसकी मूवी है वो काफी ज्यादा अच्छी होने वाली होंगी आने वाले टाइम में जब मैं इसको देखूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरी तरफ से इसके सेकंड सीजन को मैं देना चाहूंगा 8 out of 10। सर अगर आप लोगों ने एनिमे सीरीज देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, अगर नहीं देखी तो देखना शुरू करो यार, काफी ज्यादा अच्छी मुझे एनिमे सीरीज लगी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। So good looking at the beach.